सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। दिल्ली के शिक्षा मॉडल से बौखलाई हुई भारतीय जनता पार्टी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी दिल्ली के 16 लाख बच्चों का, दिल्ली के 32 लाख अभिभावकों का, दिल्ली के हजारों टीचर्स का अपमान करने के अभियान में जुट गए हैं। और यह दिखाता है कि आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर मुद्दा विहीन और नेतृत्व विहीन पार्टी है, और इसी के कारण देश के गृह मंत्री, आप कल्पना कीजिए, फर्जी वीडियो डाल रहे हैं, फर्जी वीडियो डालकर दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को अपमानित कर रहे हैं, फर्जी वीडियो डालकर दिल्ली के बच्चों को अपमानित कर रहे हैं जो दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, दिल्ली के वो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल से बेहतर सरकारी स्कूल में रिजल्ट लेके आते हैं, दिल्ली के वो अभिभावक जो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, दिल्ली के वो हजारों टीचर्स जो उन बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको सबको अपमानित करने का काम देश के गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कृत्य कोई नहीं हो सकता, और इसलिए अमित शाह जी को दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए, दिल्ली के बच्चों, अभिभावकों और टीचर्स के साथ माफी मांगनी चाहिए कि उन्होंने उनको अपमानित करने का गुनाह किया है। वो मासूम बच्चे जो दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छी शिक्षा लेकर आ रहे हैं, आपको अपने गृह राज्य की चिंता नहीं है? राजकोट के अंदर 1235 बच्चे एक साल में मर गए, और जब उस पर सवाल पूछा गया मुख्यमंत्री रूपानी जी से तो वो सवाल छोड़कर भाग जाते हैं। आपके खुद के संसदीय क्षेत्र गांधीनगर में 375 बच्चे मर गए एक साल के अंदर, उस पर आप जवाब दे नहीं पाते। अपने राज्य, अपने गृह राज्य में बच्चों का सम्मान नहीं कर पाने वाले अमित शाह जी, बच्चों की मौत पर खामोश रहने वाले अमित शाह जी, दिल्ली में गंदी राजनीति मत करो। दिल्ली के बच्चों को कम से कम बख्श दो, दिल्ली के बच्चों को अपमानित मत करो। दिल्ली के बच्चों ने मेहनत करके आज प्राइवेट स्कूल से ज्यादा बेहतर रिजल्ट देके कीर्तिमान स्थापित किया है। दिल्ली के सरकारी स्कूल देखना चाहते हो, जाओ उन स्कूलों में जहां बच्चों के लिए पहले मकड़ी के जाले थे तुम्हारे राज में, आज उन स्कूलों के अंदर एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जाओ और देखो, वहां स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, वहां एथलीट के ग्राउंड बने हैं, वहां हॉकी के ग्राउंड बने हैं, पेरेंट्स टीचर्स की मीटिंग होती है। दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए निरंतर प्रयास होता है। टीचर्स को विदेशों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, बच्चे हमारे आईआईटी में सेलेक्ट हो रहे हैं, उन बच्चों को आप अपमानित कर रहे हैं? दिल्ली के बच्चों से क्या दुश्मनी है आपकी? किस दुश्मनी को आप निभा रहे हैं? अमित शाह जी को इसको स्पष्ट करना चाहिए, और इसीलिए आज हम लोगों ने मांग की है चुनाव आयोग से मिलकर, सीसी से मुलाकात करके, कि अमित शाह को 48 घंटे के लिए चुनाव प्रचार से बैन किया जाए। हमने मांग की है कि अमित शाह जी और उनके दो सांसद जिन्होंने फर्जी वीडियो डाले हैं उनके ऊपर FIR दर्ज की जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे कामों की पुनरावृत्ति ना हो। एक विषय यह था, अगर इस पर कोई सवाल हुआ आप लोगों का। हमने उनसे कहा है 48 घंटे के लिए गृह मंत्री अमित शाह को प्रचार से बैन करना चाहिए, उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली के बच्चों को अपमानित किया है, वो दिल्ली के लोगों से माफी मांगे, दिल्ली के बच्चों से माफी मांगे, उनके ट्वीट्स डिलीट कराए जाए, जितने ट्वीट्स उन्होंने किए हैं भ्रामक, झूठे, फर्जी वीडियो के आधार पर किए गए गृह मंत्री के ट्वीट। अफसोस की बात है कि देश का गृह मंत्री फर्जी वीडियो डाल रहा है, उसको डिलीट कराया जाए, ये हमने मांग की है। FIR दर्ज कराने की मांग की है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
दूसरा विषय इसी क्रम में प्रवेश वर्मा जी ने आज निहायत ही आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ की। दिल्ली के वो मुख्यमंत्री जो हिंदुस्तान की आजादी के बाद पहला उदाहरण मिलता है इस बात का कि अपने 70 पॉइंट के एजेंडे से ज्यादा काम करके दिखाया, वादे से ज्यादा काम करके दिखाया। जो मुख्यमंत्री बच्चों की शिक्षा अच्छी बेहतर बनाने के लिए 20,000 स्कूल के नए कमरे बनवाता है, आप उसको आतंकवादी कहते हो? जो मुख्यमंत्री अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने के लिए स्कूलों का कायाकल्प करता है, उसको आप आतंकवादी कहते हो? जो मुख्यमंत्री मोहल्ला क्लिनिक बनाता है, जो मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर फरिश्ते योजना लाता है और कहता है एक्सीडेंट पीड़ित को उठाना, फरिश्ते बन के उसकी मदद करना, लाखों रुपए भी अगर उसके इलाज में 50 लाख भी खर्च होगा तो दिल्ली सरकार उसको वहन करेगी, वो फरिश्ते योजना लाने वाला मुख्यमंत्री आतंकवादी है? वो मुख्यमंत्री जिसने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना लाई, कहा रामेश्वरम जी जाइए, जगन्नाथपुरी जाइए, शिरडी के साईं बाबा जाइए, अजमेर शरीफ जाइए, वैष्णो देवी जाइए, अमृतसर साहब जाइए, जाइए बुजुर्गों की यात्रा फ्री कराने वाले ऐसे मुख्यमंत्री को आप आतंकवादी कहते हो? जो माताओं बहनों के लिए उनका बेटा बनके बस की फ्री यात्रा करता है, उस मुख्यमंत्री को आप आतंकवादी कह के संबोधित कर रहे हैं? जो मुख्यमंत्री जवान की शहादत पर 1 करोड़ की सम्मान राशि घोषित करता है, वो मुख्यमंत्री आपकी निगाह में आतंकवादी है? वो मुख्यमंत्री जो किसान की फसल बर्बादी पे 50,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा देता है, वो आपकी निगाह में आतंकवादी है? भाजपाइयों को स्पष्ट करना चाहिए, बुजुर्गों की, विधवाओं की, दिव्यांगों की पेंशन 2 गुना करने वाले मुख्यमंत्री को आपने आतंकवादी क्यों कहा? गेस्ट टीचर की तनख्वाह हो, आंगनबाड़ी की तनख्वाह हो, या मजदूरों की मजदूरी 2 गुना करनी हो, ऐसे मुख्यमंत्री को आप आतंकवादी कह के संबोधित करते हो? आपको दिल्ली की जनता 8 तारीख को इसका जवाब देगी। कितनी गाली दोगे केजरीवाल को, कितना अपमानित करोगे, क्या क्या शब्दों से नवाजोगे? कभी आतंकवादी कहोगे, कभी गद्दार कहोगे, कभी देशद्रोही कहोगे, कभी कुछ कहोगे, कभी कुछ कहोगे। आपको शर्म आनी चाहिए भाजपाइयों, तुमको 8 तारीख को दिल्ली की जनता वोट की ताकत से जवाब देगी, इस बात को आप देखिएगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसी टिप्पणी करने वाले लोग आज मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं, उनका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है और उनके पास दिल्ली के लिए कोई रोड मैप नहीं है, दिल्ली के लिए कोई नक्शा नहीं है, दिल्ली के लिए कोई योजना नहीं है, दिल्ली के लिए कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा विहीन और नेतृत्व विहीन पार्टी भारतीय जनता पार्टी अब ऊट पटांग और अनाप शनाप बयान देके दिल्ली का माहौल बिगाड़ना चाहती है, लेकिन दिल्ली की जनता 8 फरवरी को इनको अपने वोट की ताकत से जवाब देगी। उस पर आगे भी शिकायत करेंगे जो उनका बयान आया है, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि एक ऐसा व्यक्ति जो दिन रात दिल्ली वालों के लिए काम कर रहा है, आप उसको आतंकवादी कह के संबोधित कर रहे हैं? एक मुख्यमंत्री को आप आतंकवादी कह के संबोधित कर सकते हैं? ये इस तरह से मानसिक रूप से विकलांग हो चुके हैं भाजपाई, कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी कहेंगे। करने चाहिए उनको, उनके पार्टी का समझौता हुआ है उनके साथ, वो करें प्रचार, लेकिन कहीं ना कहीं साफ ये बात जरूर अखरेगी उन बिहार के लोगों को, उन यूपी के लोगों को, कि जब बिहार का चुनाव हो रहा था और यही भारतीय जनता पार्टी बिहारियों का डीएनए पूछ रही थी, उस समय अरविंद केजरीवाल नीतीश कुमार के साथ खड़े थे। बिहारियों का डीएनए पूछने वाली भारतीय जनता पार्टी के साथ आज नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल के साथ खिलाफ खड़े हैं, ये बहुत अफसोस की और दुर्भाग्यपूर्ण बात है, जिसका जवाब
बिहार के लोग देंगे, यूपी के लोग देंगे, पूर्वांचल के लोग देंगे। अजय जी, एक सवाल है कि मनोज तिवारी का भी एक बयान आया है कि आम आदमी पार्टी उन लोगों का समर्थन करती है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मारने की बात करते। अब मनोज तिवारी जी कहां कहां से कौन कौन सा बयान देते हैं, उनके कितने बयान का जवाब दिया जाए, उनको गाना बजाना करने दीजिए। और बताइए कोई सवाल। ज्वाइनिंग अच्छा ज्वाइनिंग का भी है। ठीक है ठीक है, बता दो कौन है। वीरा सैनी जी हैं। तो कोई नहीं आए हैं ना, इधर इधर आ जाइए वीरा जी, या चेयर है ना, बैठे प्लीज। बोलो इधर बैठा दें, एक लोग इधर, सर इधर आ जाइए, आप बहन जी आ जाइए, एक कुर्सी और इधर कर दीजिए, फिर रामाश्री कुर्सी इधर। जैसा कि पिछले कई महीनों से आप सब देख रहे हैं, पूरी दिल्ली से अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग पार्टियों से लोग आम आदमी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए जुड़ रहे हैं। और हर एक का ये वादा है कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी टीम के साथ दिल्ली के लिए जो काम शुरू किए हैं पिछले 5 सालों में, उन कामों को आगे ले जाने के लिए वो हर संभव प्रयत्न पार्टी के साथ मिलकर करेंगे। आज उसी श्रृंखला में आज हमारे साथ दो और दिल्ली के कांग्रेस पार्टी के सदस्य आकर जुड़ रहे हैं, मैं उनका परिचय आपसे करवाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं वीना सैनी जी का परिचय करवाना चाहता हूं। वीना सैनी जी नांगलोई क्षेत्र से हैं, नांगलोई ईस्ट वार्ड से वो 2007 से 2012 तक निगम पार्षद रही हैं कांग्रेस की तरफ से। वो आज ऑल इंडिया सैनी सेवा समाज की सचिव हैं और कांग्रेस ब्लॉक कमेटी की भी सचिव 2007 में रह चुकी हैं। उनका हृदय से स्वागत है आम आदमी पार्टी में। श्री बलधारी सैनी जी नजफगढ़ के क्षेत्र से हैं, 1980 से कांग्रेस के साथ विभिन्न पदों की जिम्मेवारी संभालने के बाद 2017 में सैनी जी ने कांग्रेस की टिकट से पार्षद का चुनाव भी लड़ा। वह नजफगढ़ की क्लॉथ मर्चेंट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं और कई सामाजिक संगठनों से जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी दोनों का तहे दिल से पार्टी में स्वागत करती है। साथ ही अब लक्ष्मी वर्मा जी भी आ गई हैं। लक्ष्मी वर्मा जी मयूर विहार फेज 1 से हैं, वो 4 कदम वेलफेयर सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं और क्षेत्र के सामाजिक कार्यों में लगातार योगदान देती रही हैं। हो गया? हाँ। मैं सब वीना जी से कहूंगा कि वो 2 शब्द बोले। बैठ गए, बोलेंगे आप? बोल बलधारी जी। बैठ जाओ, ये नरेश।
आज हम कांग्रेस पार्टी छोड़ के आदरणीय केजरीवाल जी के कामों से प्रभावित होकर हम आम आदमी पार्टी में आज शामिल हो रहे हैं और हम आम आदमी में पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली के लिए काम करेंगे और संजय सिंह के साथ उनके चरणों में बैठ के दिल्ली की सेवा करने का हमें मौका मिला है। धन्यवाद। और कौन है? ये मोहम्मद नासिर भाई जो आज हमारे साथ मोहम्मद नासिर भाई भी जुड़ रहे हैं। मोहम्मद नासिर भाई दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के मुस्लिम सहकार समिति के सदस्य रह चुके हैं, नूर शिक्षा फाउंडेशन के चेयरमैन हैं और कल्याणपुरी थाना की अमन कमेटी के सदस्य भी हैं। इन्होंने दल्लूपुरा वार्ड से चुनाव भी लड़ा था। आपका दिल से आम आदमी पार्टी में स्वागत है। एक मिनट, बलदारी जी भी दो शब्द बोले। संजय सिंह जी, सभी भाइयों, मैं कांग्रेस में 40 साल से था, छोड़ के संजय जी के साथ काम करना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल के काम, इसीलिए मैंने ज्वाइन की है। 3 साल पहले मैं कांग्रेस से कैंडिडेट था तिचाऊ वार्ड से नजोकर, अब मैं पूरे तौर पे आम आदमी पार्टी का मेंबर। धन्यवाद। आप भी बोलो नासिर भाई। नासिर भाई वहीं से इस तरफ आ जाइए। अरे सॉरी, कोई बात नहीं, हाँ बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठ जाइए आराम से। मैंने देखा है आम आदमी पार्टी को बहुत करीब से। अगर आपके बच्चे का सही भविष्य चाहिए तो आम आदमी को सपोर्ट करना चाहिए, आम आदमी के साथ आना चाहिए, क्योंकि हम लोग दिन रात मेहनत किस लिए करते हैं? अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने उज्जवल बच्चों को अच्छा से अच्छा शिक्षा देना चाहते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है, स्वास्थ्य देना चाहते हैं, शिक्षा स्वास्थ्य। आज देखिए दिल्ली में कितना बेहतर सब कुछ है। आप किसी भी सरकारी स्कूल में चले जाइए तो आपका ऐसा दिल लगेगा। मैं कई साल SMC का मेंबर भी रहा हूं, कल्याणवश स्कूल में MLA प्रतिनिधि भी रहा हूं। मैंने स्कूल में बहुत अच्छा व्यवस्था देखी है, मैंने हॉस्पिटल में बहुत अच्छा व्यवस्था देखी है। इस सबको देखते हुए मैं आज आम आदमी पार्टी ज्वाइन किया है और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। संजय सिंह जी का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैडम, हाँ सर, यस मैडम, वेट 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 वेट, हाथ उठा लीजिए।